जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे अमेरिकन M1 ग्रांड राइफल के बारे में, जो कि 30 कैलिवर राइफल थी और इसका अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था और ये जो अमेरिकी सोल्जर्स की प्राइमरी वेपन था। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को हमारी ओर से ईद मुबारक हो। हमने आपको जर्मन कार 98 के बारे में और ब्रिटिश ली इनफील्ड राइफल के बारे में बता दिया, तो आज हम जानते हैं अमेरिकन M1 ग्रांड राइफल के बारे में। जो M1 ग्रांड राइफल थी, एक तरीके से बोल्ट एक्शन सेमी ऑटोमेटिक गैस ऑपरेटेड राइफल थी और इसमें 8 राउंड आते थे। इसको डिजाइन किया गया था 1928 में और इनके जो डिजाइनर थे उनका नाम था जॉन सी ग्रांड। तो ग्रांड जो M1 राइफल में लिया गया है, जो उसका पूरा नाम है M1 ग्रांड है, तो ग्रांड इन्हीं के नाम से लिया गया है। 1936 में इसको अमेरिकी जो सेना है उसमें शामिल किया गया और 1959 तक ये लगातार अमेरिकी सेनाओं में शामिल रहे। अब जानते हैं इसके मैन्युफैक्चर के बारे में। जो इसको मैन्युफैक्चर करती थी अमेरिकन प्राइवेट कंपनी स्प्रिंगफील्ड आर्मरी इसको मैन्युफैक्चर करती थी। 50 लाख से ज्यादा M1 ग्रांड राइफल बनाई गई थी अमेरिका द्वारा। अब जानते हैं इसके कुछ वेरिएंट के बारे में। इसके जो कुछ वेरिएंट थे वो थे M1C, M1D और अब जानते हैं इनके वेट के बारे में। जो M1 ग्रांड थी इसका जो वेट था वो था 4.31 kg। अब जानते हैं इसकी ओवरऑल लेंथ के बारे में। जो इसकी ओवरऑल लेंथ थी वो थी 1100 mm। अगर बात करें इसके बैरल लेंथ के बारे में, तो इसकी जो बैरल की लेंथ थी वो थी 609 mm। अब जानते हैं इसके बुलेट के बारे में। इसमें जो बुलेट यूज होता है वो 0.3006 का बुलेट यूज होता है, जिसको स्प्रिंगफील्ड कंपनी ने 1906 में डेवलप किया था। भारत में भी एक राइफल बनती है जिसका नाम है 0.3006, उसमें भी जो बुलेट है वो सेम कैलिवर का यूज होता है। अगर इसको मेट्रिक नोटेशन में देखें तो इसका जो मेट्रिक नोटेशन है वो होता है 7.62 × 63 mm। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अब जानते हैं इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज के बारे में। जो इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 450 meters के करीब है और इसमें की जो मैगजीन है वो 8 राउंड मैगजीन आती है इस राइफल। अब जानते हैं M1 ग्रांड राइफल के रेट ऑफ फायर के बारे में, मतलब ये 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती है। तो ये 1 मिनट में 40 से लेकर 50 राउंड फायर कर सकती है, क्योंकि एक तरीके से बोल्ट एक्शन राइफल तो है लेकिन ये गैस ऑपरेटेड है। मतलब इसका जो बुलेट है मैगजीन से चैम्बर में अपने आप आ जाता है और इसका जो बोल्ट होता है वो स्वतः ही अपनी पोजीशन में आता है। तो आप लगातार ट्रिगर दबाते जाइए और इसके जो 8 राउंड है आप लगातार फायर कर सकते हैं। दोस्तों अब पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन। हमने आपको ब्रिटिश ली इनफील्ड राइफल के बारे में बताया, हमने आपको जर्मन कार 98 के बारे में भी बताया और आज हमने आपको अमेरिकन M1 ग्रांड जो राइफल है इसके बारे में भी बताया। तो आपको इन तीनों में से कौन सी पसंद है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।